बहुत सुंदर और संसारों कुछ इं लग रही है कि पहली बार मिले हैं या पुरानों कोई घर का सही लगा नहीं अच्छी पढ़ाई करनी है कोई प्रकार की टेंशन कौन करनी है आपने राम राम साहब स्वागत है आज अपने न्यू व्लॉग में। आज थे लाइट देखी तन पतो चाल गयो। आज ममता विजय व्लॉग की टीम सुदेश राजस्थानी सागे मतलब सुदेश जी के सागे यात्रा पर हाँ आज पठानी का गांव जा रहे हैं और पठानी का गांव का नाम है 9RKD 45RD लूण खां छत्तरगढ़ तहसील में जिलो बीकानेर है। तो पठानी मिलने जा रहे हैं अगर बहुत ही शानदार व्लॉग बनाए तो देखो लगातार। तो पठानी का गांव आप पहुंच गया देखो लगभग अठघर है जगह गोबर का ही कच्चा बनेड है और इक्का दुक्का घर है जगह कोई पक्का है वो पठानी का घर है। तो ये अंदर जा रहे हैं आप वो जो बारह को थान पक्को पोर्सन दिख रहे हो भी पक्को को नहीं हो माटी में चिणेड है और वो भी जो बांग पठानी का भाई है बड़ो भाई है बिंगो बनाएड है और वो पठानी परिवार वो अलग है पठानी को जो फोर्सन जो सामलो और एक ही साइड में है बढ़ता ही उन राइट साइड में आसी वो है जो बांग पिताजी को पुराने टाइम में बनाएड है गोबर को एकदम कच्चो है और काफ़ी बड़ी बड़ी तिराड़ा देखो दीवार में दिख रही है ये टाइप की चाल रखी है और गिरने की कंडीशन में ही है। अभी बारिश के मौसम में पठानी को भाई हो जो आपका जो कमरा में खोल दिया गया चलो थे बार बारिश का मौसम ही मरे जो वो मकान कद भी गिर सके ये दो कमरा जिसका खोल रहा है देखो आगे पठानी मेहंदी का नाम सुन रही थी दूर चला रहा क्या मेहंदी बहुत अच्छी लग रहा है हाथ है तो ही कौन लगे जाना ही कौन एसी लगा रहा क्या दसवीं का दिया गया एग्जाम कितना परसेंट मिले बस बैठ थर्माता जी कितना भाई बहन हो दो भैया पांच पांच बहन बड़ी एक छोटी सब सबसे मां यही तरीका आज ही मतलब करंट लागने ही होगी सारे पहले सही है एकदम है ना पहले सही है अच्छा अच्छा और पतलो भी वजन ही होगी मां सिंगल दिन काट दे हां अच्छा काल आ गया आगो जी तो खराब हो जी तो कट दियो बाकी हो ही तेरे को मास हो एक भी बिजली लागण हो गयो गाँव रो क्या नाम है नौर केडी 45 नौर केडी ये बात है दूसरा हो गणा हो ये बात है हैं आनंद है बैठो पढ़ने पहले नहीं बैठे आप भी नहीं अरे मैं क्यों बैठूं मैं बैठो मुझे बताओ भी मुझे आजकल मोटा मोटा सुपरस्टार हो रहा है बैठो बैठो रिकॉर्डिंग कर ले बैठो खाने नहीं मत करी ऊपर पार्लर पानी है ना पानी पार्लर को टेस्ट आ रहा है कि हाल चाल है मेरी आई थी और कुछ आ गई थी मैं तारो वीडियो देख रही थी दूर मार के पठानी तो मिलना ही है देखिए आज सुबह जल्दी उठ रहे ये गा बेसरा खा था पानी भरना जल निकालना बिस्तर निकालना
काम करो तो तुम्हारा हाथ है तो मारू पाओ वाली भगवान ने एक दर्ज बंद कर सही बात है देखो भगवान मेहनत बाकी बेन थारो छोटी है सारी बड़ी है अच्छा अरे अधाई करो क्या अधाई करना है ऐसे कुछ नहीं स्कूल थोड़ी दो किलो दूरी हर की एक घटना हुई थी हम वहाँ थे छोटी सी बकरे चरान थी दौरे पर तार नीचे पकड़ ली तार कितने साल उम्र ही मेरी उम्र ही पाँच साल तार अच्छा बोल नू पकड़ दी होगी नहीं नीचे ही दौरे पर खेलते खेलते जोड़ते जोड़ते अच्छा ध्यान में कोनी हो करंट को खंभे का तार खंभे का हाथ लगाया इन्हें खंभे इन्हें खंभे नीचे दौरो अच्छा लिफ्ट में दौरो नीचे हो गए तार नीचे आ गए तार नीचे पकड़ ली मंदिर कितनी कला है भाई में खानो भी खा लियो खुदी मम्मी खिला खाना कौन खाई थी वो देखियो रोटी बेलीज भी था लोया लोया क्या बनाओ पेड़ बेलीज तो यहाँ जाओ है ना और जहाँ झाड़ू निकाल लो सब्जी काटने वाला और वो कौन है वो बनी लकड़ी लकड़ी लाना घास लाना घास ही तोड़ लिए हो तो आज अपन देखने वाला था हम बता रहे हूँ छत्तरगढ़ तहसील में और जिलो बीकानेर ही है छत्तरगढ़ तहसील में गांव को नाम पटानी भाई बता सी बताए गांव नाम है नोल केडी 45 आरडी लूणखा वहाँ गांव को नाम है अठी साइड में लगभग गांव का नाम ए या नंबर वह सग इतरी कमी वह और ये भाई को एपिसोड में देखियो उसने एक मैं तो पठानी मिल रहा सूँ और मेहंदी भी मंडवा सियाँ और मिल रहा सियाँ जरूर मैं कि बहुत ज़्यादा दूर है कि दूर बुलाई हो इतनी मतलब दुर्घटना घट गई और इतनी हिम्मत वाली है तो अपन जरूर अपन जानो चीज़ है तो आज सुबह 4 बजे उठ रहे सारो बनानो कपड़ा धोना झाड़ू मसोदार गाय मेछाणो सारो काम कर एक गा भी ब्याह आली फिर भी चलो बस बच्चों घरे संभाल लेसी नाज तो गाने तो पठानी मिलनो है जना सुबह 4 बजे बच्चा ही पूछा लग्या कि मम्मी पठानी भाई कौन है मानी दिखाओ जना आज पठानी थाने दिखा से शाम ने मोबाइल में तो बाद जान मिलने को बहुत ही ज़्यादा कोड हो तब पहुँचा देखो पठानी भाई मेहंदी मान रहे हैं ये तो बीच बारीक मांडनी कौन सॉरी सी लागे जकी मांड दे सही मेहनत कम ही करनी पड़े मेहंदी कटो सी की कर पठानी आगे फूल कोता सीख गया मम्मी गाता हमगे शौक हो पहला बहुत ही अब बहुत घना सीखा पुरान लाग गए मत कौन करे
पढ़ाई करा तो आधु काम आ गया लिखते लिखते नहीं सब कम सर्दी में भी रोड ड्राइवर हाँ गणे हाँ तो कोरो कोन ने जानो कोन जाऊं बेटे सब लोग पक्का लेके मेहंदी को मैं मेरो कोरी कोरी जे मेहंदी की आता नहीं ढूंढ लो हाँ परीक्षा में कुछ टाइम एक्स्ट्रा दी होगी कि अभी सेमी स्पीड हूँ लिख लो स्कूल जी हाँ के मार्क्स भेजा भेजगा भेजा ना नंबर बीस बीस जगह भेजा करे बीता भेजे या कम भेजा था अच्छा अच्छा आगे पढ़ाई जारी रख सो स्कूल कितवी तक है अच्छा बारहवीं तक है कि गांव में थर गांव में है या पास में नहीं अच्छा अच्छा 2 किलोमीटर के जाओ क्या पैदल सुबह बस में जाओ अंत पैदल 1 बजे बस तैयार करें बस बहुत है बेटा हाथ दर्द फोन करना फोन बढ़िया नहीं हाथ कौन दुखे कौन दुखे पिन ज्यादा दबाव से ना दुखे था बहुत ही फास्ट लगाई है 5 मिनट ही को लगी नहीं चल को काम ते खूब करे गोबर ना खनार गाय बेचार खूब रख गांव में लगभग कितना घर सी छोटा ही है ना पठानी मेहंदी पूरी लगा दी है क्या लागी कमेंट करिया थे भी किसी भी डिजाइन कर सको मैं बता दो हाँ। कोई जी नयो डिजाइन में तो एक बार देख के भी बाद में है ना बहुत बड़ी कला है तो मेहंदी लगाने भी स्कूल में भी साथ है जी की लड़कियां और पढ़े भी करवाएगी मेहंदी लगभग देखा यहाँ मेहंदी वालों काम मुश्किल ही है ब्याह शादी हमें एक दो ही है मेहंदी मारना हर कोई नहीं आओ को नहीं हाथ वैसे कान भी को नहीं आवा पूरे गाँव में कि नहीं को नहीं आवाना हाँ बहुत बड़ी कला है इच्छा तो सबकी हुआ है और सह नॉर्मल लगाना कौन सा सह चाह हमारे हाथ है जगह पूरा मंड है हाँ
को बताओ भाई के बारे में कुछ। भाई के बारे में क्या बताया, हाथ से कट गया, लेट से कट गया साहब। अब पेशाब करने से तंग है, हर चीज़ से तंग ही है। अब एक औरत से रहेगी, कोई लड़का तो मैंने फेरी है, उसका तो कोई देखभाल हो सकता है। अब कोई सरकार की तरफ कोई मदद? कोई मदद नहीं मिली साहब। अच्छा अच्छा, कोई तरीके की नहीं मिली। चलो अब कोई दिक्कत को नहीं, खूब मदद भी मिल सी। और मैं भी आज काफ़ी दूर हुआ है, डूंगर परिवार परिवार बन के आ गया। हाँ धन्यवाद आपको, अच्छी बात है। आप पठानी आपकी बच्ची है, हमारी थोड़ी है। हाँ हमारे घर वाला देखते हैं कि मन पठानी हो, मन तो मिलना है। बहुत अच्छा, मगर मगर दूर बहुत है, दूर भला ही हो, मन तो मिलना ही है। और क्या मेहंदी मंडवा के आशिया, बिल्कुल सही बात है। आप थे 10 बजे थे भाई? नहीं नहीं, अच्छा गांव का, अच्छा अच्छा पड़ोसी हो? अच्छा अच्छा, दुकान करोगे? बहुत बढ़िया। ये क्योंकि मैं दुकान आता हूँ कि पठानी बाल लाया, मैं सुदेश भाई साहब संपर्क करो। अच्छा अच्छा, सुदेश भाई साहब आया। और जी मतलब थारे कमाई को कोई जरियो क्या चीज़ है? कोई बा मजदूरी हुए कटे थारे गांव में ही या बाहर जानो पड़े? ई टाइम चौमा साल टाइम काम मिल जावे, बाकी बांध दिन में काम कौन मिले? अच्छा सिंचित एरिया बढ़ जाओ आस पास है। और 300 ही दाड़ी है? मकान जी थार पुराना घर वही है ना? हाँ वो है, ये अपने लड़के का है, अलग है वो। अच्छा लड़का अलग हो गया, काम का मकान है, बच्चे हैं। अच्छा थारो घर है जो सारो और जो गोबर वाला दिख रहे हो वही तो है। आज वो पठानी मुलाकात को एपिसोड था किया लगे हो, कमेंट कर जरूर जरूर बताया। और आप लोग भी एक अपने इंसान को एक फ़र्ज हुए, सुख दुख में अपने काम आना चाहिए, इंसानियत जिकी हुआ है तो भी हिसाब हो। अगर थे लोग भी पठानी की मदद करना चाहो तो थे कमेंट कर जरूर जरूर बताया। और अगले एपिसोड में थान बता दिशा थे भी पठानी की के तरीक़ों मदद कर सको। पठानी के सागर आज घंटा दो घंटा टाइम में बिताए हो तो भी के बाद में पठानी और पठानी का पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश हुए हो। तो बांगी जी खुशी देखी भी के बाद में भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ। दुखी ना पाँ अगर खुश कर सका तो भी बड़ो कोई काम को नहीं हुआ, बहुत ही माने भी बहुत बढ़िया लगे उठा रहे। बारिश आई आप कैट? हाँ बारिश आई, लड़का आया था वो कह रहा पापा इसके अंदर तो गिर जाएगा तो मेरा कमरा खोल लो, आगे देखो जो पठानी को जो मकान है इन ऊपर है जो खींप डालेड़ है और बीच बीच में लोग जो गटर है जगह डालेड़ है। अच्छा ज़्यादा बारिश में पानी आवे? हाँ आवे, ज़्यादा बारिश हुआ ना पानी भी निकले इम बो। अच्छा सरकनो भी है बट प्लास्टिक को कोई कुछ कौन डाले? नहीं पैसे नहीं आते कैसे लगा दें? हाँ हाँ लगा दे, रेत करना पड़े। और ऊपर छत किसी है? रेत ही है, रेत भी तब तो पानी आ सी। तो देखो ये तरीका एकदम कच्चो मकान है और तिराड़ भी देखो खूब चल रही है और बारिश में खूब ज़्यादा बारिश होने सब आगे बिस्तर वगैरह है जगह भी चाहिए, नीचे भी है जगह कच्चो आंगन है। वो एक कमरा है, वो तो आगे एक प्रकार स्टोर रूम है, वो भी इस तरीके की देखो छत है, पट्टी वगैरह ऊपर रखी पड़ा देड़ है, एक्स्ट्रा सामान हो रहा है जो सब इम रखेड़ है। और आगे लड़को है जो अलग वेड़ है, बांका ही साइड में है जगह दो कमरा करेड़ है। और रसोई है ना जी, रसोई है में लकड़ी वगैरह बारिश बचाने वास्ते अंदर रखेड़ है। कल मिल से आप आए एक नए एपिसोड में। आज को एपिसोड पठानी के स्वागत है, क्या लगे कमेंट कर जरूर जरूर बताया। और आज को लोग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब।